ये बॉर्डर का जो कमेटी बना है उसका जो बनाया गया उसमें से कोई भी सहमत नहीं है। उनका भी कहना हुआ है कि हम लोग अरुणाचल का जमीन को 3600 ऐसे अराउंड स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल से लिया गया है तो इसको वापस करना है। आज का डेट पे देखा गया है तो उल्टा हम लोग का घर से भी निकाल के मतलब अपना अरुणाचल से भी और जमीन लेते जा रहे हैं। बन कॉल करेगा, बन कॉल कर आपका जो 26 जनवरी है उसको भी हम लोग बॉयकॉट कर देंगे। 9 जनवरी में जो एक एग्रीमेंट आया है दोनों सरकार के बीच में, उस डिसीजन का ऊपर हमारा गांव वाला और पूरा पब्लिक नाखुश है एंड कुछ डिसएग्रीमेंट है। आउटकम देखिए, आउटकम वही हुआ है। हम एक असम अरुणाचल के एक बाउंड्री इशू चल रहा है तो हम आज जो यहाँ जितना भी पब्लिक गैदरिंग हुआ वो कोई किसी का विरोध पे नहीं है। तो मेन मुद्दा वही है, असम जो बॉर्डर इशू जो पीसफुली होना है ताकि आने वाला जिंदगी को असम और अरुणाचल के भाइयों के बीच में झगड़ा ना हो, तो यही है। और इसमें रिजुलेशन पीसफुली रिजुलेशन लाना है बोल के सरकार ने जो कदम उठाया उसको वो थोड़ा पब्लिक के लिए हेम्पर हो रहा है। आने वाला दिन में हमारा असम और अरुणाचल के भाइयों के बीच में बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा है, तो इसलिए आज का ये जो बैठक हमारा यहाँ के पब्लिक ये बोल रहे हैं पूरा आपका तारासो से लेके किमिन काकोई से पूरा लोग आया, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आया, जेडपीप एम आया, पूरा एनजीओ हर एक प्रकार के सीबीओ लोग आया। तो इन लोग का चाहत ये है आपका जो सरकार ने 9 जनवरी को डिसीजन लिया उसको रोल बैक करना है और उसको रिकंसिडरेशन करना है, वही आज का बस। क्योंकि जितना भी हम लोग का आर्ट सर्कल में से जितना भी हम लोग का पब्लिक है जो ये बॉर्डर का जो कमेटी बना है उसका जो बनाया गया उसमें से कोई भी सहमत नहीं है, तो उसका कारण आज फिर हम लोग को बैठना पड़ा। क्यों बोलने से अभी कई साल से पहले हम लोग तो ऐसे भाईचारा होकर असम और अरुणाचल तो चल के आ रहे हैं, उसका बाद हम लोग का असम गवर्नमेंट जो ये चीफ मिनिस्टर जो है उनका भी कहना हुआ है कि हम लोग अरुणाचल का जमीन को 3600 ऐसे अराउंड स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल से लिया गया है तो इसको वापस करना है। तो आज का डेट पे देखा गया है तो उल्टा हम लोग का घर से भी निकाल के मतलब अपना अरुणाचल से भी और जमीन लेते जा रहे हैं। तो इसलिए जो अभी बॉर्डर कमेटी जितना भी उन लोग जो किया है ग्रास लेवल में सही ढंग से नहीं किया। क्यों सही ढंग से नहीं किया बोलने से नियम का अनुसार जहाँ भी जरूरी दक्षण हो तो उसमें ग्रास लेवल में उसमें हम लोग का ये स्टेट में सिर्फ बोल के नहीं ओवरऑल इंडिया में ऐसे एक रूल है ऐसे एक नियम बनाया गया कि हर मतलब ग्रास लेवल में ग्राम बनाया जाता है, गांव ग्रास होता है और पब्लिक इधर उधर होता है तो एट उसमें सर्कल ऑफिसर होता है। एटलीस्ट ग्रास लेवल में आप अगर कुछ बाउंड्री बनाना चाहता है तो सबसे पहले मेरा कहना है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत को चार पर्सन को उससे मतलब बातचीत करना है, पूछताछ करना है। उसका गांगुरा है, गांगुरा आपका प्रेसिडेंट है, फिर सर्कल ऑफिस है, तो सभी का बात लेके सभी का व्यू लेके डिस्टेंस मतलब बाउंड्री कहाँ में, क्योंकि रियलिटी उन लोगों को मालूम है। आज जो बाउंड्री का जो जितना आपका कमिटी है उन लोगों को तो एक्स वाई जेड मालूम भी नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं, कौन सा बस्ती है, कौन सा जरूरी दक्षण है, किसका लैंड पड़ा हुआ है, अरुणाचल का ना आसाम का, कुछ मालूम नहीं। ऐसे हवा में जाके ऐसे हम खुद साथ में गया था सर्वे टीम, ऐसे लगता है कि कोई मतलब ऐसे लड़ाई चलने वाले बस सीधा इधर से भाग गया उधर से भाग गया, मतलब कुछ बात ही नहीं है, मतलब दौर भाग कर करके आज देखा है अंत में देखा गया कि उल्टा हम लोग का अरुणाचल का जमीन को असम में देने के लिए। तो असम का जो CM सर जो बोला है उन्होंने उल्टा हम लोग अरुणाचल को वापस देना है बोलते। अब ये बात को इसलिए हम लोग पब्लिक ये जो बॉर्डर कमेटी उन लोग जो भी अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। यदि ऐसे अगर होगा कल को जितना भी प्रॉब्लम होगा लॉ एंड ऑर्डर होगा ये बॉर्डर कमेटी का रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल होगा,
ये 100% हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि जब सहमत नहीं बोल रहे पब्लिक, इधर लीडर जितना पब्लिक सहमत नहीं बोल रहे, तो आप चार मतलब एक चार दीवार का अंदर में राउंड टेबल में बैठ के आप तीन चार आदमी, तो आप ये बाउंड्री नहीं बना सकते ना। आप अगर बनाए अभी तो हम लोग को खोल के बताइए, तो ऐसे भी तो नहीं है। तो इसलिए आज हम पब्लिक हो के काफ़ी मतलब दुखी है, दुख सिर्फ नहीं काफ़ी गुस्सा में भी है। ऐसे क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? अब जहाँ भी हो हम लोग का जो जरूरत है, हम अभी इवन मेरा अपना घर होने से भी एक बाउंड्री होता है। अब बाउंड्री में देखिए आज तक हम लोग घर के जितना भी आस पड़ोस होने से भी एक दूसरे से हम लोग चलो LPC बनाने से बहुत सारे से हम लोग साइन भी लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर स्टेट दो स्टेट को अगर बाउंड्री क्लियर करना है तो सबसे पहले ग्रास लेवल का रिपोर्ट लेना चाहिए था, तो ऐसे नहीं मनमानी कर दिया। इसलिए हम लोग पब्लिक उसको टोटली उसको बॉयकॉट करता हूँ और मानता हूँ, मानता भी नहीं हूँ। और अगर इसको करना है बाउंड्री करना है तो ये कमिटी बनाइए, और जो अभी जितना भी जो एग्रीमेंट किया है उसको हम लोग बिल्कुल मतलब नहीं मानता है, उसको बॉयकॉट करता है, मानता नहीं है। तो इसलिए आज का मीटिंग इसीलिए, तो शायद कल हम लोग फिर आगे भी बढ़ सकता है, बात तो आगे बढ़ते जाएगा। तो उसके बाद अभी हम लोग कमेटी बनाया, कमेटी का बाद हम लोग डिसीजन लेगा, उसका बाद फिर आने वाले दिन को आप लोग को अपडेट दे देगा। थैंक यू सर। जस्ट इन केस अगर गवर्नमेंट आप लोग का डिसीजन को रोल बैक नहीं किया, आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप वही है, हम लोग को अगर इनकेस हम लोग का बात अगर नहीं सुनता है कल के 4 तारीख 24 को, अगर उसमें पेपर और एग्रीमेंट भी कर दिया तो चलो दो चार जो आपका कमेटी है और कर दिया बोले तो हम लोग टोटली हम लोग ये जितना भी हम लोग आज सर्कल है हम लोग ये करेगा बंद कॉल करेगा मीन्स आपका जो 26 जनवरी है उसको भी हम लोग बॉयकॉट कर देगा, क्योंकि हम लोग अरुणाचल का है, इंडिया का है, तो आपस में क्यों भाईचारा को झगड़ा करवाते हैं? अगर नो अगर कोई ये जो जितना भी कमेटी है जितना भी है उसका कमेटी मतलब बाउंड्री अरुणाचल असम बाउंड्री जो कमेटी गठन किया गया तो उसका ऊपर में जितना भी कल को अगर कुछ भी होता है बोलने का रिस्पॉन्सिबल उन लोग का होगा, क्योंकि अपना जमीन तोड़ा होने से भी हम लोग देने वाला नहीं है। क्योंकि क्यों बोलने से पहले जैसे हम लोग का 1952 से लेकर अभी कितना साल हम लोग बचपन से सुन के आए बाउंड्री क्लियर नहीं। इस बार असम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट एक BJP है बोल के आज देखो असम अरुणाचल का जितना CM है अच्छा है, यहाँ तक नरेंद्र मोदी है, तो हम लोग को सुनाया गया कि अच्छा हम लोग का अरुणाचल बॉर्डर को क्लियर करेगा बोल के, तो हम लोग सुन के काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि अच्छा बनेगा, कुछ असम से कुछ अरुणाचल से बीचों बीच अगर बाउंड्री बनेगा तो हम लोग खुश रहेगा बोल के सोचा है, तो आज देखा है तो पूरा का पूरा अरुणाचल का जमीन को असम को दे रहा है। ये कौन सा मतलब ऐसे कमेटी बनाया गया कि बिना ग्रास लेवल को पूछे बगैर जाने बगैर आप सिर्फ दौर भाग करके कैसे चार रूम में आप बैठ के आप बाउंड्री बना सकता है? ये बिल्कुल नाइंसाफी है और हम मानता भी नहीं है ये सब चीज़ को, बस यही है। और आगे प्रॉब्लम आने वाला है, अगर सोल्यूशन नहीं लगा तो वो तो बाद में देखा जाएगा। हम लोग कमेटी बाउंड्री जितना पब्लिक है क्या कर सकता है, कदम उठा सकते हैं, आगे खेल तो निकलते जाएगा, बस वही है। हमारा पब्लिक पपुम परे पब्लिक की तरफ से ये अपील रहेगा रीजनल कमेटी को, रीजनल कमेटी को ये बताना चाहता हूँ बाउंड्री इशू के बारे बोले तो हमारा क्या है। आप हिस्ट्री में बोलिए, पब्लिक का जो रहन सहन जो लिविंग स्टाइल है वो सिस्टम है, आपका तरुण चटर्जी कमेटी जो रिकमेंडेशन किया वो हमारा पक्ष में है। वेयर इज असम चीफ मिनिस्टर खुद बोला है कि 3,800 स्क्वायर किलोमीटर हमने एनकोर्स किया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो अभी ये सब सारे चीज़ को देखने के बाद हम रीजनल अरुणाचल के रीजनल कमेटी कोई कन्फ्यूज होने का जगह नहीं है। सीधे से आप सवाल करना है हमारे अरुणाचल के रीजनल कमेटी असम को उल्टा पूछना है, आप दिखाओ हो आपने बोल रहे हैं कि 3,800 लेन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लेन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नेपा फ्रॉम द अरुणाचल गवर्नमेंट
बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, ये बता रहा है। अभी हमारा रीजनल का कमेटी का काम वही है, बाकी रह गया असम सरकार को पूछना है आप कहाँ कहाँ जमीन, हमारा जमीन लेके रखा है आपको दिखाओ। और इसी में दिखाने के बाद गिव एंड टेक्स पॉलिसी है तो उसी में चलता है। इतना बोलने से हमारा रीजनल कमेटी का काम ख़त्म हो जाएगा। इन लोग अभी उसी जगह में अभी एक माइनस लिया है जनवरी को, लूपिंग सिस्टम। लूपिंग सिस्टम मतलब जैसे आपका यहाँ घर है, सिर्फ घर को ही छोड़ देगा, नंबर वन। नंबर टू, कैडस्ट्रियल एरिया एंड नॉन कैडस्ट्रियल एरिया। कैडस्ट्रियल एरिया हो गया जहाँ से आपका क्वारी से रेवेन्यू आता है, टैक्स आता है, उस पोर्शन को असम सरकार ने प्रपोज किया है, अरुणाचल के रीजनल कमेटी हाँ पे हाँ मिला दिया। ये एक रह गया, और एक रहा जहाँ जहाँ घर है उसमें 500 मीटर का कुछ एडजस्टमेंट कर देगा। अब देखिए ये आश्चर्य की बात है, उल्टा जमीन मालिक को, देश की मालिक को ये बता रहा है, उल्टा हमें लूपिंग सिस्टम में बना के हमको ज़मीन देना चाहते हैं। इसलिए वो चीज़ को पूरा सारा चीज़ को स्टडी करने के बाद हमारा यहाँ पपुम पारे के लोग बहुत दुख है, और अपना दुख के साथ आज ये मीटिंग आया, और इसी में ये निर्णय लिया कि जो सरकार ने जो डिसीजन लिया इट शुड बी रोल बैक। नहीं, आज का मीटिंग का हमारा मेन मकसद यही था कि जो 9 जनवरी में जो एक एग्रीमेंट आया है दोनों सरकार के बीच में, उस डिसीजन का ऊपर हमारा गांव वाला और पूरा पब्लिक नाखुश है, एंड कुछ डिसएग्रीमेंट है, एंड उस डिसएग्रीमेंट को किस तरह हम सरकार को हमारा ये मैसेज पहुंचा सके उसका डिस्कशन हुआ है। एंड आज हमने उस मैसेज को पहुंचाने के लिए एक कमेटी भी गठन किया है, एंड आई होप कि हमारा जो भी कमेटी आगे ले जाएंगे सरकार उसे सुनेंगे, और ये जो एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है और जो एक ग्राउंड में जो एक माहौल पैदा हुआ है, एक टेंस माहौल, आई होप कि इस टेंस माहौल को नज़र रखते हुए सरकार एक मिडिल वे पाथ अपनाएंगे जिससे हमारा ये बाउंड्री जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन में आने के लिए। सर, सुनने में आया है कि कल गुवाहाटी में आप लोग का कुछ साइन करने से डील हुआ है, तो अगर वो हो जाता है तो आप क्या करेगा? नहीं, यही है, हम तो अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को यही बताने के लिए कि पब्लिक का जो एक सेंटिमेंट है वो अगेंस्ट द एग्रीमेंट है। अगर फिर भी अगर सरकार उस एग्रीमेंट को लेके अगर आगे जाता है तो हम डिसाइड करेंगे लोगों के साथ बैठ के आगे का हम किस तरह से प्लान आउट करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर इशू है, ये इट्स बीन ऑलमोस्ट बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से है ये बॉर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, एंड जिस वे में इसे इमरजेंसी हेस्टीली जो एक सरकार इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक इस जल्दबाजी में बहुत सारा इशूज है जो उसे छोड़ के वो जा रहे हैं। आई थिंक हम स्टेक होल्डर से डिस्कस करेंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। सर,